Let a straight line is drawn. Let a straight line is drawn. Parallel to. Let a straight line is drawn. Parallel to. Conjugate axis of hyperbola. Let a line is drawn. Parallel to. Conjugate axis of hyperbola. X square upon a square. Minus y square upon b square equals to 1. To meet it and its conjugate hyperbola. To meet it and its conjugate hyperbola in point P and Q. एक वर्टिकल लाइन है जो हाइपरबोला को P पे और उसके कॉन्जुगेट को Q पे कट कर रही है. Then find locus of point of intersection of tangents at P and Q. Then find locus of point of intersection of tangents at P and Q. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. You have to find tangents at P and Q. उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस. Find locus of point of intersection of tangents at P and Q. मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ उस क्लास में चाहिए. एक बार आप आवाज देखने में नजर आ रहा है कि नहीं. Let a straight line is drawn. वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं. तुम जो कर रहा है वो सॉल्व करें. Let a straight line is drawn parallel to conjugate axis of hyperbola. Let a straight line is drawn parallel to conjugate axis of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. To meet it and its conjugate hyperbola. To meet it and its conjugate hyperbola at P and Q. Then find locus of point of intersection of tangents. Then find locus of point of intersection of tangents at point P and Q. Find locus of point of intersection of tangents at P and Q.
Thank you.
मतलब क्या है लेकिन इधर साइनेंट वन एक्स ए सेक थीटा अपॉन एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी माइनस टू वन और इस पे अब इस पॉइंट ये पॉइंट इसमें एक्स की बात वाई वाई वन तो पहले मैं एक्स का लिखा हूँ माइनस एक्स और एक्स की जगह ए सेक थीटा तो ये आ जाएगा Thank you.
सेंटर ऑफ सेंटर रूट और है क्या करना था कंपेयर क्यों करेंगे भाई एलिमिनेट करना है एलिमिनेट की कंपेयर तो ये अलग इक्वेशन ये अलग इक्वेशन ये टेंजेंट वन की ये टेंजेंट टू की कंपेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो साथ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों लाइन हां तो वो पॉइंट का उस पॉइंट पे तो ये दो ये इक्वेशन अलग है ये इक्वेशन अलग है एक पॉइंट आगे तो कॉमन है दोनों इक्वेशन में लाइन थोड़ी ऐसी कंपेयर कब करते हैं दो दो लाइन कंपेयर करने का मतलब दोनों एक ही लाइन है डिफरेंट फॉर्म में लिखी है बस तो मैं एक्स से क्यों करते हैं कैंसिल करते हैं इस स्क्वायर का
क्या करोगे तुम? तो मैंने इसको हटा दिया एकदम। अब उसके बाद क्या होगा सोचो, उससे होगा क्या? चल तुमने स्कैन किया तो तुम्हारा आया वाई भी अंडर रूट वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल्स टू टू। इसके बाद क्या लेते हैं इसको स्क्वायर कर, ये तुमने बोला था कैसे भी ऐड किया दोनों को बस। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, छोड़ देने के बाद ज्यादा थोड़ा ज्यादा कुछ कर पाएंगे, छोटी रहेंगे पर कुछ
एक और लिखने में स्टैंडर्ड मिलता है, जैसे दिस इज एच
बाकी जैसे मान लो मुझे हाइपरबोला का लोकस बोला जाए ना, हाइपरबोला का लोकस निकालो ठीक है, एक तो वैसे निकाल दे पी एस पी एस पी एस इक्वल टू ई पी एस पी एस ग्रेटर टू वन, या फिर पी एस प्लस पी एस वन माइनस पी एस प्लस टू ए, वो तरीके हैं। पिको ऑफ करेगा क्या है हाइपरबोला का, देखना ध्यान से इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस टू ट्रांसवर्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू दिस स्टीवंस एच व्हाट बिकॉज़ स्टीवंस इज दिस पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस इज बेसिकली कॉन्जुगेट एक्सिस, अब रिलेट कर सकते हो उसको एंड देन व्हाट इज ए एंड बी, ऐसा होता है तो मेरी इक्वेशन होती है x square upon a square plus sorry ये जो माइनस है y square upon z square equals to 1, now can you relate with that? और वो 25 को 5 पर ले जाएंगे क्योंकि at present 3x minus 4y plus 1 is the distance from x to y divided by 5 होना चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस 3x plus 4y plus 1 equals to 0, क्लियर है ना? व्हाट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस 4x plus 3y, ये माइनस है करेक्ट, बट ये तो मैं बोलने के लिए मुझे इसको डिस्टेंस के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो अब मैं इस वाले इक्वेशन से लिख सकता हूं, अब मुझे डिस्टेंस भी इसके नीचे 5 चाहिए मतलब स्क्वायर के अंदर 25 चाहिए, तो इसमें तो 25 लिखना पड़ेगा मुझे, मैं इसमें से लिख रहा हूं 4 25 और उस 25 के अंदर ले जाके मैं ऐसे लिख दूंगा 5, नाउ दिस इज 3x - 4y + 1 / 5 इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट x y फ्रॉम कॉन्जुगेट x दैट इज हियर x, x basically क्या है y axis है distance एक general point x comma y का, अच्छा वो 50 का कह रहा हूँ 25 बता रहे कितने पड़ेगा 2 बचेगा तो 2 25 into 2 उधर 2 रहने दिया बस 25 को ऊपर ले जाके 5 कर दिया, now a is 4 b is 2 एक मिनट अभी काम कंप्लीट ठीक है एंड और क्या करने का आपने सोचा था उधर ठीक है मैं ट्रांसफर कैसे की तुझे ना कोई ट्रांसफर एक्सिस की तुझे ना कोई लेंथ आई है टू ए टू बी आई है और व्हाट एल्स एसेंट्रिसिटी आई है ना बी ए और बी आ रहा है एक और चीज का डायरेक्ट्रिक्स और ओके लेंथ ऑफ हाँ तो वो तो टू ए टू बी हो गई ना ए टू बी इज how to get the coordinates of Popeye? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सॉल्व कर लेना दोनों लाइंस को इन दोनों को यूनिट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स
इधर से ए ए पता है, बी पता है, ई पता है, ए पता है, ए डिस्टेंस दूरी पे क्या लिखो, मतलब सेंटर को मान लो मैं अल्फा को बीटा मान ले, भी आया मान लो अल्फा प्लस ए cos थीटा कॉमा बीटा प्लस ए sin थीटा इज इट करेक्ट, माइनस ए भी आए दो आएंगे इस साइड इस साइड, मैं ऐसे लिखो प्लस माइनस और कैसे सोच सकते हैं विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर मान लीजिए पैरामीटर में कॉन्जुगेट करके मैंने कोमेंगे कॉन्टेक्स्ट लिखे, व्हाट एल्स डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे ये पॉइंट निकालना है, यही होगा मतलब यही होगा मतलब कुछ और होगा था अलग से, हाँ कैसे निकालें दो पैरामीटर मान लो तो अच्छा स्मार्ट तरीका x तो बोल रहा हूँ कि उसपे मतलब इतने जनरल पॉइंट ले लोगे x कॉमा और फिर बाय एक नाम तो फिर और बेटर तरीके तो स्ट्रेट लाइन ये तो एक्स्ट्रा डिस्कशन है और बेटर तरीके वन इज द गुड मैटर इज दिस व्हाट एल्स एक तरीका तो जैसे उसने बोला इसको मान लिया अल्फा बीटा एक बार इसमें रख के अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया एक बार अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल्स टू ए कितना कैलकुलेशन करूं हाँ, लेकिन अगर डायरेक्ट एक्स सॉरी अगर ये पूछा जाता है तो
तो फिर टच कोर्स या फिर इनका मॉडल अगर हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट बोला जाता तो भी ये वाला मेथड ज्यादा बेटर रहता जो मैंने बोला उसमें क्या लगता है सेंटेंस है डायरेक्ट टेक्स्ट का डिस्टेंस एक आई उससे लेते हैं दो वैल्यू अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट तो क्या करते हैं इसकी इक्वेशन कैसे होगी बी एच माइनस फोर वाई प्लस लैम्डा आई टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा अगेन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू ए बाई बहुत सारी चीज की हिट क्वेश्चन फोटो परपेंडिकुलर से क्या करोगे किसका फोटो परपेंडिकुलर कॉन्जुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर हां फोकस कैसे माइनस
एक बार इस इन दोनों को लेना अल्फा बीटा में एक लीनियर रिलेशन, एक बार इन दोनों को लेना अल्फा बीटा में, गुड क्या बड़ा ख्याल सिंपल है व्हाट स्क्वायर के ऊपर मैंने तीन पॉइंट लिए, उन तीनों से एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन हाइपरबोला एक्सेल। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको भी अपन दो तरीके से करेंगे, एक वेरी प्रोसीजरल दिमाग काम खर्च किए और एक थोड़ा स्मार्ट तरीके। Thank you.
आपको बोलना है इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा दैट विल लाई समवेयर ऑन द हाइपरबोलिक एक्सिस. तो लेट्स से मैं ऐसे बना रहा हूं, लेट्स से ये ऑल्टीट्यूड मैंने बनाया ऐसे और ये ऑल्टीट्यूड मैंने बनाया ऐसे. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन हाइपरबोलिक एक्सिस. तो फिगर विल लुक समथिंग लाइक दिस. एंड थ्री पॉइंट्स यू कैन टेक एनी थ्री पॉइंट्स. तो मान लो कि यू टेक थ्री पॉइंट्स एक्स वाई जेड सी स्क्वायर हाइपरबोला है तो पॉइंट्स तीन ले लो. जैसे दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, सेकंड नंबर कंपोनेंट में ये वो नेगेटिव क्या सेकंड नंबर पे सर तो बन गई
करेक्ट है।
चलो देखो ओके इसको लिखो मतलब y plus c t1 t2 t3 इसको मैं लिखो निकल जाते माइनस t2 t3 कॉमा ले लेना क्या बना है x plus c by t1 t2 t3 देखो इसे करेक्ट Thank you.